ये कौन सी है? ये किस्सर है। ये किस्सर है, ये देखेगा आप। ठीक है जी। अच्छा ये हरी मिर्च जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री फ्री है? ये हमारी कॉम्प्लीमेंट्री है, ना ये वजन में ना इसके कोई चार्जेस हैं। अच्छा। ये हमारी तरफ से फ्री कॉम्प्लीमेंट्री है। अच्छा। ये फिश के साथ ही खाते हैं तो फिर डबल टेस्ट हो जाता, मज़ा आ जाता। हाँ सही बात है। और ये है हरी मिर्च, हरी मिर्च का मैं ज़्यादा शौकीन तो नहीं हूँ, मगर ये खा के देखते हैं। यार ये वाकई बहुत मज़े की। अच्छा मज़े की बात, एक तो इसमें खटास खटाई आ रही है, बहुत अच्छी खटाई आ रही है इसके अंदर हरी मिर्च में, बहुत मज़ेदार। फिर ऊपर से ये चटनी, चटनी के साथ और मज़ा दे रही है, डबल मज़ा दे रही है चटनी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब आली। सर्दियां आ गई हैं, कराची में भी सर्दी होती है ज़ाहिर सी बात है, और यहाँ पे मछली खाने का मज़ा कुछ अलग होता है, क्योंकि समंदरी मछली बिल्कुल ताज़ा यहाँ पे मिलती है, दूसरी जगहों पे भी ताज़ा जाती है, दूसरे शहरों में भी ताज़ा जाती है, मगर यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है कराची है और समंदर यहाँ है, तो पर मछली तो यहाँ पर मस्त है, बनती है। और यहाँ पर एक बहुत मशहूर, बड़े पुराने तक में 10-12 साल हो गए उनको काम करते हुए, और काफ़ी मशहूर हुए थे एक ज़माने में वो, उनका एक प्राइवेट चैनल से भी इंटरव्यू आया था। तो बहरहाल वहाँ से शिफ्ट करके एक ये नई जगह पे आए हैं, और मामू फिश फ्राई के नाम से, पहले ये आयशा मंजिल पे हुआ करते थे कराची में, लोग जानते हैं आयशा मंजिल किधर है, और अभी ये दस्तगीर की तरफ है, और उन्होंने बड़ी अच्छी एक सेटअप बनाया हुआ है, और यहाँ पर फैमिलीज़ भी आई हुई हैं, फैमिलीज़ भी आती हैं यहाँ पर, फैमिली रूम भी बनाए हैं, वहाँ पर फैमिली रूम नहीं थे, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरीके का है। ये क्या बात है, अजय जी कौन सी फिश है? फिंगर फिश है। फिंगर फिश है, मुश्का मछली की फिंगर फिश है, सही है। आधा किलो दो जगह। ये कौन सी है? ये किस्सर है। ये किस्सर है, ये आप क्या बात है। आधा आधा किलो दो जगह पार्सल कर दो भैया, निकाल लो। अच्छा ये हरी मिर्च है? ये हरी मिर्च है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री, अच्छा ये फ्री है हरी मिर्च। ये आप अगर मछली लेंगे तो ये फ्री है हरी मिर्च है। और ये कौन कौन सी मछली है? ये मुश्का है, दिस्तर दिया है, बड़ी कौन कौन सी है? और ये फिंगर फिश है, ये मुश्का है, और उसमें आगे भी फिंगर फिश एक रखी गई, ये वाली ये भी मुश्का है, ये भी मुश्का है, सही है। अच्छा जी ये देखें, ये है फिश सवारा, ये देखिए शानदार मछली है, बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम भाई, कितने अरसे से काम कर रहे हैं आप? ये तकरीबन 10-12 साल। 10-12 साल पहले आप, पहले आयशा मंजिल पे थे, वहाँ पे जो अपना जो आगा खान हॉस्पिटल के पीछे जो मामू थे आपके, वो बड़े साहब किधर है आप? वो अब अपने इलाके में कहीं लगा रहे, पहले हमारे साथ करते थे, साथ करते थे, हम अपना बिजनेस करूँगा, हमने बोला भाई करें आप, फिर वो अपना कर रहे। अच्छा वो अपना कर रहे हैं, यानी कि आपका बहुत पुराना काम है, बहुत पुराना और काफ़ी मशहूर है। पहले तो आपका पहले एक प्राइवेट चैनल पर भी एक इंटरव्यू आया था, है ना, मुझे पता है अच्छी तरीके से। चले चले, यहाँ का एड्रेस बताएंगे ज़रा लोगों को अगर कोई आना चाहे यहाँ पे? ये मेन 9 नंबर की चौरंगी है। अच्छा, तालीम बाग से भी अंदर आएंगे तो जब भी आती है, मुक्का चौक से अंदर आएंगे जब भी आती है, मेन आयशा मंदिर के पुल से अंदर आएंगे जब भी आती है,
जावेद नियारी वाले रोड से आएंगे जब भी आती है चौरंगी। सही है, आयशा मंजिल से, आयशा मंजिल से सीधा अगर आएंगे या नौ नंबर की चौरंगी की तरफ आ जाए, गुलशन से कोई आना चाहे तो वो मुक्का चौक से इस तरफ आ सकता है, वो मुक्का चौक से आ सकता है, बस चौरंगी आएंगे हमारी शॉप अलग ही नजर आएगी। ठीक है जी। अच्छा ये हरी मिर्च जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री फ्री है? ये हमारी कॉम्प्लीमेंट्री है, ना ये वजन में ना इसके कोई चार्जेस हैं। अच्छा। ये हमारी तरफ से फ्री कॉम्प्लीमेंट्री है। अच्छा, ये फिश के साथ ही खाते हैं तो फिर डबल टेस्ट हो जाता, मज़ा आ जाता। हाँ सही बात है, सही बात है। अच्छा जी, अभी आपको बनते हुए दिखाई फिश और हरी मिर्चें, और अभी मैं इसको टेस्ट करके बताता हूँ कैसा टेस्ट है इसका। इसका टेस्ट हमेशा से वैसे इनका बहुत अच्छा टेस्ट होता है और बड़ी शानदार फिश होती है इनकी, तो मैंने आपको दिखाई भी है, बताया भी है। और देखें ये है फिश, और ये इसमें नींबू है, और ये देखें, और ये है हरी मिर्चें। हरी मिर्च तो मैं ज़्यादा शौकीन तो नहीं हूँ, मगर ये के खा के देखते हैं। यार ये वाकई बहुत मज़े की है। अच्छा मज़े की बात, एक तो इसमें खटास, खटाई आ रही है, बहुत अच्छी खटाई आ रही है इसके अंदर हरी मिर्चों में, बहुत मज़ेदार। फिर ऊपर से ये चटनी, चटनी के साथ और मज़ा दे रही है, डबल मज़ा दे रही है चटनी के साथ, वाकई बहुत मज़ेदार है। और ये है फिश, देखें फिश का, ये देखें आप, देख रहे हैं आप, ये देखें आप कैसा खुल रहा है, बेहतरीन है, बहुत अच्छा खुल रहा है। और इसको जो है अभी मैं ये देखे, बहुत शानदार टेस्ट है। आप ये ना समझेगा कि मैं सिर्फ ऐसी तारीफ कर रहा हूँ, तारीफ ऐसे नहीं कर रहा हूँ, वाकई बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है फिश, गरम गरम है, और चटनी का तो लाजवाब, चटनी का जवाब ही नहीं है, बहुत ही क्लास की चीज़ है। इधर आएँ तो ये ज़रूर खाएँ, और मुझे हरी मिर्च ज़रूर लीजिए, हरी मिर्च है कॉम्प्लीमेंट्री, और ज़रूर खाइएगा। हरी मिर्च में जो खटास खटाई है ना, वो बिल्कुल बराबर डली हुई, हरी मिर्च बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश है। ये देखिए ये फिश भी ऐसी है, बिल्कुल ताज़ा, बिल्कुल ताज़ा। इनके काफ़ी सेल बहुत अच्छी होती होगी, इसलिए बहुत अच्छी जगह चल रही है, बिल्कुल फ्रेश है। अच्छा जी, अभी दिखाया है मैंने मामू फिश फ्राई, काफ़ी पुराने 10-12 साल इनको हो गए, और बड़ा इनके पास अच्छा सेटअप यहाँ पे है, बहुत शानदार सेटअप बन चुका है। और पहले इन्होंने बताया था कि आयशा मंजिल पे थे, 12 साल से आयशा मंजिल पे थे, वहाँ से इन्होंने काम शुरू करा और वहीं से शोहरत पाई है इस दुकान ने, और आज भी बहुत सारे लोग इनको अभी नहीं जानते, मगर ये कि बहुत अच्छी एक मछली होती है इनके पास, बहुत मज़ेदार होती है। और इन्होंने देखा आपने हरी मिर्च भी है, कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, और यहाँ पे जो करीब रहते हैं वो यहाँ पे आके खाएं, और जिनके जो दूसरी जगहों पे रहते हैं तो वो वहाँ जाके खाएं अपने घर के पास, और उनके पास भी ज़्यादा अच्छी मिलती होगी। और जो इससे नहीं के करीब रहते हैं वो इनके पास ज़रूर आएँ, एक दफ़ा ज़रूर आएँ मछली खाने के शौकीन जो भी। और ऐसे मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन के बटन को दबाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।